नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे फिल्मों में ग्रेडिंग को लेकर। फिल्मों को लेकर हमारे और आप सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि आखिर फिल्में बनती कैसे हैं, किसी भी फिल्म के बनने में कितने दिन और कैसे यह बन पाता है, फिर जब फिल्में शूट होती है तो इसे एडिट कैसे किया जाता है। फिल्मों को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के विचार आते हैं। ऐसे में हम सभी ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि फिल्मों को भी ग्रेड दिया जाता है, जैसे कि ए, बी और सी के रूप में इसको ग्रेड दिया जाता है। इसी ग्रेड के आधार पर यह तय होता है कि फिल्में किस तरह की हैं। हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि बी ग्रेड की फिल्मों में बड़े बड़े अभिनेता भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि फिल्मों की ग्रेडिंग मिलती कैसे है, उन्हें किन मापदंडों के आधार पर आगे गुजरना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ए ग्रेड की फिल्मों के बारे में। इस तरह की फिल्मों में बड़े स्टार को मोटी रकम दी जाती है। इस तरह की फिल्मों में आपको महंगे सेट देखने को मिलेंगे, महंगे कपड़े दिखाई देंगे, बड़े नामी संगीतकार भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ महंगे कैमरे का भी इन फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अहम बात कि इन फिल्मों को आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इस ग्रेड की फिल्में देश की ज़्यादातर सिनेमाघरों में रिलीज होती है, यानी कि ए ग्रेड की फिल्मों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब बात कर लेते हैं बी ग्रेड की फिल्मों के बारे में। बी ग्रेड की फिल्मों में ए ग्रेड की तरह स्टार कास्ट तो नहीं होते, यानी कि अभिनेता अभिनेत्री कोई पॉपुलर फेस नहीं होता है। इस फिल्म का बजट कम होता है, यानी कि इस तरह की फिल्मों में सेट डिज़ाइन से लेकर कपड़े और तकनीक में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इस तरह की फिल्मों में एक बात यह भी होती है कि इसमें स्क्रिप्ट कुछ खास नहीं होता। इस तरह की फिल्मों में आपको अश्लीलता देखने को मिल सकती है। इस तरह की फिल्मों में देसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह की फिल्मों में आपको देसी कहानी, देसी कलाकार भी दिखाई देंगे। इसका यह मतलब नहीं होता कि फिल्में अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन इसका हर पक्ष बेहतर नहीं होता। इस ग्रेड की फिल्मों में पोस्टरों में आपको थोड़ी अश्लीलता की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की फिल्में छोटे शहरों में ज़्यादा रिलीज होती है। अब बात कर लेते हैं सी ग्रेड की फिल्मों के बारे में। सी ग्रेड की फिल्मों का बजट बी ग्रेड की फिल्मों से कम होता है। हो सकता है इसमें काम करने वाले कलाकारों को आप पहचानते भी नहीं हो। इतना ही नहीं, कई बार तो इस तरह की स्थिति होती है कि फिल्मों की कहानी ही समझ में नहीं आती। ऐसे में यह कहा जाता है कि इस तरह की फिल्में बी ग्रेड से भी छोटी होती है बजट के लिहाज से। फिल्मों में इसकी ग्रेडिंग उसके समय के हिसाब से भी तय किया जाता है। ऐसे में ए ग्रेड की फिल्में 2 घंटे या फिर 2 घंटे से ज़्यादा समय की होती है। वहीं अगर हम बी ग्रेड की फिल्मों की बात कर लें तो यह महज 70 से 80 मिनट की होती है। वहीं अगर हम सी ग्रेड की फिल्मों की बात कर लें तो यह 45 मिनट तक की होती है। ऐसे में किसी भी फिल्म के ग्रेडिंग को अगर हम देखें तो उसके पहले उसका बजट, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट, उसमें काम करने वाले कलाकार, ये सभी मिलकर उस फिल्म को एक बेहतर ग्रेडिंग तक पहुँचाते हैं। ऐसे में इन सब के बीच में अश्लीलता भी सामने आती है, जो कहीं ना कहीं उस फिल्म की ग्रेडिंग को दर्ज करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में आप जितनी भी फिल्में पर्दे पर देखते हैं उसकी ग्रेडिंग इन तमाम मापदंडों के आधार पर की जाती है, और उसके बाद उस फिल्म को उस कैटेगरी में डाली जाती है ताकि उस तरह के लोग, यानी कि अगर कोई भी ऐसी फिल्म है जो कि एडल्ट कैटेगरी की है तो उसे बच्चों के बीच प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन्हें जाने से मना किया जाता है। तो ये थी ए, बी और सी फिल्मों की कैटेगरी जो कि फिल्मों में दी जाती है। तो ये थे फिल्मों से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।